तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डाइवर्टर जो लीकेज है, अब इसे रिपेयरिंग करने वाले हैं तो क्या प्रॉब्लम है हमें भी पता नहीं। तो यहाँ पर पहले आपको लीकेज दिखाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर लीकेज है। तो ये लीकेज तो है बट इसे पहले खोलना पड़ेगा और पानी बंद करके, बट पहले खोल लेते हैं ताकि लीकेज कहाँ से है, कैसा है, नहीं है वो पता चले। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ बताऊँगा, बहुत अच्छा जानकारी, तो बने रहिएगा। और एक चीज़ कंपनी का डाइवर्टर है, यही चीज़ के बारे में बताऊँगा। और अगर हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए ABCD सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है वो जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ मैं डाइवर्टर पूरा ओपन कर लेता हूँ और जो जानकारी दूंगा, अगर कभी भी आप डाइवर्टर लगाते हो तो कौन सा कंपनी बेहतर होएगा वो हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर भी जो है इसका वाइसर नहीं है, मतलब काला वाइसर, शायद पहले किसी ने काम किए थे, कुछ भी हो। खैर यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा पानी यहाँ लीकेज हो रहा है, यहाँ इतना पानी लीकेज हो रहा है। तो इसे हम पहले बंद करते हैं। अब इसका जो लीकेज है ना, यहाँ पर अब देखेंगे, देख लीजिए पानी भी निकल रहा है, सभी चीज़ है, ये पानी बंद कर रहे हैं भाई साहब। लीकेज जो है ग्लांस सिस्टम से ऐसा हो रहा था, और अंदर का वाइसर वाइसर बिगड़ा है कि नहीं वो हम देखेंगे, मतलब नीचे का मुंडी से पानी निकल रहा था। तो चलिए ये देख लीजिए, ये बल्ब है, कहीं पर भी कोई भी डाइवर्टर रिपेयरिंग करेंगे तो पानी आपको ज़रूर बंद करना पड़ेगा। अब ये जो मैं लगा, खोलने से पहले ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक पाना है, ये पाना जो है आपका, मतलब अक्सर सिर्फ मेट्रोपोल के काम में ज़्यादा आता है, ये जानकर रखिएगा। मतलब मेट्रोपोल का एक वाइट वाला ग्लान आता है, ठीक है, उसका काम में ज़्यादा आता है, अगर वहाँ से लीकेज होता है तो ये खोलने में बहुत आसानी होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ग्लान है ना, मतलब ये जो प्लास्टिक के ऊपर, ठीक है, इस सब से लीकेज हो रहा था, इसके ऊपर से, यहाँ से, यहाँ से लीकेज हो रहा था। तो इसे हम खोल लेते हैं, और ये जो पाना है अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अगर लिंक मिल जाता है तो वहाँ से ख़रीद सकते हो, क्योंकि प्लम्बिंग का छोटा सा काम आता है बट बहुत बेहतरीन आता है, बहुत हेल्प मिल जाता है। और ये जो मैं जो खोल रहा हूँ, इसे एक तरीका ग्लान बोलते हैं, इसे ओरिंग नहीं बोला जाता, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसे ग्लान बोलते हैं। अब इसे हम पूरा निकाल लेते हैं, देखो अब यहाँ पर वाशर तो नहीं दिख रहा है, शायद डाइवर्टर में होगा, ये सब सामान है। अब आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका भी बताऊंगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि कभी भी आप डाइवर्टर लगाते हो ना तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। टाइट कर दो जरूर, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इनसाइड, ये यहाँ पर वाइसर बैठा है, ये जो वाइसर है कभी कभी ये वाइसर बिगड़ता है, स्टेप बहुत सारा चीज़ बिगड़ता है, बट यहाँ पर पहला चीज़ है ये वाइसर, अगर पतला हो जाता है, खा जाता है, तो ये वाइसर आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसे हम पूरा खोलते हैं, यहाँ पर शायद समझ में नहीं आएगा, मैं कहीं पर फाका में लेके जाता हूँ और इसे पूरे खोल कर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ इसके अंदर भी शायद कचरा हो सकता है, इसलिए मैं खोल ले रहा हूँ। अब देख लीजिए खोलने का तरीका, यहाँ पर एक लॉक आता है, इस लॉक को अगर स्क्रू ड्राइवर भी होता है ना, आपको नॉर्मल क्या है ऐसे अंदर प्रेस करना है और ऐसे आपको दबा देना है इधर, मतलब इस साइड, हाँ, दबा के आप निकाल सकते हो आराम से। अब ये खोला हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज है, अब बने रहिए, समझ में आएगा, ठीक है। इसे पूरा आपको क्या करना है, निकाल लेना है। बहुत सारा डाइवर्टर में थोड़ा सा अलग अलग होता है, बट यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ का हेल्प मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये सारा चीज़ जो मैं निकाला हूँ, ये सारा चीज़ में कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है, क्या कचड़ा आ जाता है, रेती वगैरह आ जाता है, और वो निकलता नहीं है इस सब चीज़ में, रेती या फिर टूट भी जाता है तो लीकेज एनी टाइम होता है। हाँ, इसका सेटिंग जो है यहाँ पर पूरा नहीं बताऊँगा, मतलब इसे खोलना कैसे है, लगाना कैसे है। अगर आप लोगों का व्यूज़ ऐसा आता है, लाइक ऐसा आता है, कमेंट ऐसा आता है, तो समझूंगा हाँ आप लोग चाहते हो ऐसा वीडियो, मतलब जो इसका अपर पार्ट्स को पूरा खोल के कैसे सेटिंग करा जाए, तो मैं उसका ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो जो है टोटली 7-8 मिनट का बन जाएगा, सिर्फ खोल के पूरा अच्छे से समझ। बस यहाँ पर आप लोगों को आइडिया दे दिया, कोई भी डाइवर्टर होता है तो यहाँ पर जो है आपको खोल के इस सब देखना है, इसके अंदर प्रॉब्लम होता है, तो इसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, एक आइडिया मिल गया है। और इसको सिंपल लगाने का तरीका भी आना चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, व्यूज़ ज़्यादा आएगा, लाइक आएगा, तो ज़रूर बनाऊंगा। इसका अपर पार्ट्स मैं खुद खरीद के लाऊंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। अब जो है इसका वाइसर मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला नया मार्केट से लेके आ गया, अरे चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ये जो है आपको ब्लेड में ऐसे निकाल लेना पड़ेगा, दूसरा आपको मिल जाएगा, कोई भी कंपनी इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका सिस्टम पहले फिटिंग कर लेते हैं और बताते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये लॉक है दो ऊपर, और मैं वाइसर भी चेंज कर दिया, इसे आपको सिर्फ ये जो ऊपर दो देख रहे हो ना आप, छोटा छोटा होल है उसमें, हाँ, आपको ऐसा सिंपल लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब अगर आप
एक्वेल कंपनी आपको मालूम है, एक्वेल डाइवेटर आता है, एक्वेल डाइवेटर आपको लगाना ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इतना बकवास डाइवेटर है उसका, डाइवेटर और मेट्रो फ्लास जो आता है कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही नुकसान करता है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है और प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है कि परेशान हो जाएंगे आप। ये एक्वेल कंपनी का डाइवेटर है, अगर आपको बोलूँगा तो कौन सा लगाना चाहिए सिंगल लेवल डाइवेटर, अगर आप प्राइवेट हाउस में है तो मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा बजट है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है, कोलर का भी आप ले सकते हो नॉर्मली। जेक्वार का मैं इसलिए सजेस्ट नहीं किया क्योंकि जेक्वार में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं जेक्वार बुरा है, बट कोलर के कंपेयर में डाइवेटर, सिंगल लेवल डाइवेटर कोल में जेक्वार से अच्छा है, ये जानकर रखिएगा। तो ज़्यादा यहाँ पर मैं किसी का बदनामी नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को बस सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कभी प्रॉब्लम में फंसे ना। तो यहाँ पर देख लीजिए लीकेज तो बंद हो गया है, बट मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा, लीकेज बंद हो गया, रिपेयरिंग कैसा करना है ये आप देख लिए हो, क्या नहीं करना है, अंदर खोलना है, कचरा आता है कि नहीं, अगर वो वाइसर पतला हो जाता है वाइसर चेंज करना है, और हर चीज़ का ग्लान होता है, जैसे कि ये ब्रास का नट खोला हूँ, देख लीजिए पानी भी चालू किया, सभी चीज़ है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है दोस्तों एक चीज़ है, आप ऐसे टेवलॉन टेप दे सकते हो, जैसे कि आप खोला हूँ मैं, यहाँ पर आप देखे हो वाइसर नहीं है, यहाँ वाइसर आता है तो है नहीं, वो तो जाने दीजिए, तो इसमें टेबलम टेप से आप ये काम कर सकते हो। बाकी फिटिंग कर लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ आप लोगों को पसंद आया और अच्छा गाइड मिला है, और उसका वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, पूरा पार्ट्स को खोल के लगाना कैसे है वो वीडियो ज़रूर, जेक्वार किसी भी कंपनी में बोलिएगा तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।